तकरीबन 10 दिन हो गए हैं फॉर्म 45 का मसला सॉल्व नहीं हो रहा, उसके बेसिस पे बने फॉर्म 47 के बारे में भी सवालात हैं। अब इशू यह है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब ने जो एक बात कही कि भाई ये जो सारा इस वक्त कंफ्यूजन है, जो इस वक्त सारी लड़ाई है, इसका तरीकेकार क्या है इसको सॉल्व करने का, तो उनकी जो एक लाइन के अंदर तजवीज थी वो ये थी कि फॉर्म 45 जो है अगर वो जमा कर लिए जाए तो सारा मसला सॉल्व हो जाएगा। क्या कहा चट्टा साहब ने, सुनिए। फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है, दोबारा इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 ही इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। तो क्या इतना आसान काम, क्या इस मुल्क में हर 5 साल बाद इलेक्शन करवाने वालों को पता नहीं है? क्या ये हल उन्हें मालूम नहीं है? अगर एक कमिश्नर पिंडी को पता है कि इस पूरे मसले का अगर हमने सोल्यूशन निकालना है तो फॉर्म 45 निकालना है, तो जो इलेक्शन कमीशन जिसका काम ही सिर्फ ये इलेक्शन कराना है हर 5 साल बाद, जिसकी सिर्फ एक और एक जॉब है, उनको नहीं मालूम कि कैसे सॉल्व करना है? फॉर्म 45 की कितनी कॉपीज होती है, किस किस के पास होती है, जरा क्विकली हम आपकी मालूमात के लिए आपसे शेयर करते हैं। पहली कॉपी जी पोलिंग एजेंट्स के पास होती है, जो तमाम सियासी जमातें हैं, तो उनमें से हर किसी को फर्दन फर्दन एक कॉपी दी जाती है। एक और कॉपी होती है जो वोटों के थैले के अंदर रखी जाती है, ये भी कॉपी है। एक और कॉपी होती है पोलिंग स्टेशन के बाहर चस्पा होती है ताकि सब लोग ये देख सकें। एक और कॉपी होती है जो आरओस के हवाले की जाती है, और जो पांचवी कॉपी है वो डीआरओस को दी जाती है। सो अभी डिपेंड करता है कि जो कितने पोलिंग एजेंट्स थे तो उसके ऊपर उतनी कॉपीज ऐड कर ले, लेकिन मिनिमम ये 7 से 8 कॉपीज होती हैं जो कि बड़े आसानी से उनको कलेक्ट करके टैली किया जा सकता है कि ओरिजिनल नंबर क्या है फॉर्म 45 के अंदर। और ये कोई इतना तवील काम नहीं है, ये आसानी से किया जा सकता है, ये नहीं हो रहा और इस पूरे क्राइसिस को मजीद बढ़ाया जा रहा है। अब वो कौन सी जमातें हैं जो फॉर्म 45 ले लेके फिर रही हैं और कह रही भाई हमारे फॉर्म 45 टैली कर लें? तहरीक इंसाफ उसके अंदर है, जाहिर सी बात एक बड़ी हमने देखा उनकी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जमात इस्लामी में हमने देखा हाफिज नईम साहब कहते हैं कि उनके पास फॉर्म 45 है, इसको टैली कर लें, वो बाकी जमातों के को भी दावत दे रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने अपनी ट्वीट में कहा कि उनके फॉर्म 45 के मुताबिक भी तहरीक इंसाफ जीत रही। तो फॉर्म 45 इकट्ठे करके टैली करना कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। वो कौन सी जमातें हैं जो फॉर्म 45 के ऊपर एम्फोसाइज कर रही हैं, जरा ये सुनिए। फॉर्म 45 बनवाए, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, लाओ तुम भी अपना अरेंजमेंट लाओ, हम जनवन फॉर्म 45 लाते हैं और फिर बताते हैं कि कौन जीता है कौन हरा है। मेरे पास इस वक्त तमाम जो हमारे फॉर्म 45 है वो मौजूद है, इन पर जो है सारा रिजल्ट जो है वो हमारे पास मौजूद है, लेकिन ऑफिशियली जो आरओ को हमें रिजल्ट देना है वो देने से कासिर है। आप हमारे सारे फॉर्म 45 तो देख ही सकते हैं, ये ऑनलाइन मौजूद है, इन फॉर्मों को कोई शख्स 2 दिन में नहीं भरा सकता था, हमने इलेक्शन कमीशन में फर्म के फॉर्म फाइल कर दिए ताकि ये इल्जाम न लगे जो किसी ने बाद में बनाए। अब वो कौन सी जमातें हैं जिनसे बार बार पूछा जा रहा है जी कि जो आपकी मुखालफीन हैं उनके पास फॉर्म 45 है, उनके अगर आप समझते हैं ये झूठा बयानिया है, प्रोपेगेंडा है, इसको कैसे हम कॉम्बैट कर सकते हैं? तो उसका एक ही सिंपल सोल्यूशन है कि आप अपना फॉर्म 45 सामने रख दें। जब फॉर्म 45 अगर आपके पास मौजूद होगा तो आपका जो अगर मुखालिफ का झूठा बयानिया है वो फौरन से पहले वो उसको आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। सो जी तारिक मतलब चौधरी साहब से फॉर्म 45 मांगा गया, उन्होंने कहा जी जिधर जो मुतल्लिका इदारे उधर दिखाएंगे। मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं फॉर्म 45 को लेकर झूठिया बयानिया बनाया जा रहा है, आपके फॉर्म 45 किधर हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। एमक्यूएम से पूछते हैं तो कहते हैं हमारे पास हैं तो सही लेकिन इलेक्शन कमीशन को हम देंगे। तो एक कुछ जमातें फॉर्म 45 लेके गली गली मीडिया के ऊपर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को भेज रही हैं और कुछ जो है वो कह रहे हैं कि हम फॉर्म 45 नहीं दिखा सकते, वो जमाते कौन सी, जरा ये सुनिए। डॉक्टर साहब आपने कहा कि फॉर्म 45 आपके पास आ गए तो अभी तक आप क्यों छुपा रहे हैं? आपको देने का पाबंद नहीं हूँ, तो वोट देगी। फॉर्म 45 की असलियत क्या, इन्होंने कैसे कैसे इसको अपने बयानिए के लिए झूठी तौर पर इस्तेमाल किया, किस तरह मीडिया को इस्तेमाल किया, मीडिया में बैठे चंद अनासर को इस्तेमाल करके इन्होंने झूठा बयानिया बनाया। तो इस पूरे मसले का जी हल बहुत आसान है, फॉर्म 45 जो कि कमिश्नर पिंडी साहब ने भी कहा है वो जमा कर ले, उनको टैली कर ले, पता चल जाएगा कि कौन सी निशिस पे कौन सा उम्मीदवार जीता। लेकिन बहरहाल हो नहीं रहा ऐसा, इस क्राइसिस को तूल मजीद तूल और तवालत दी जा रही है, ये समझ से बाहर है। प्रोग्राम का खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।